हेलो दोस्तों, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। यूजी एडमिशन 2020 से 23 स्टूडेंट के लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। अगर आपका फोर्थ लिस्ट में नाम आ गया है तो आपका एडमिशन कल से यानी 13 अप्रैल से चालू होगा और 15 तक चलेगा। तो दोस्तों, आपको अपना एडमिशन जल्दी से ले लेना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपको अपना लिस्ट में नाम चेक करने के लिए कि आया है या नहीं आया है, इसके लिए आपको jpbadmission.org के वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ यूजी। आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद अगला पेज आपको कुछ एक इंटरफेस मिलेगा दूसरा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्लिक कर दिया हूँ मैं तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ओपन होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन का नंबर दे देना है। जो आप एप्लीकेशन करते समय, मतलब कि ऑनलाइन करते समय आपका PDF जो निकला था उस पर ये लिखा हुआ रहता है एप्लीकेशन नंबर। डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट इस तरह से आता है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, यहाँ पर फादर्स नेम, परसेंटेज आपका और कैटेगरी, जेंडर, और यहाँ पर एलोटेड यहाँ पर कॉलेज देख सकते हैं कि किस कॉलेज में एलोटेड हुआ है, PN कॉलेज, परसा सारण। उसके बाद यहाँ पर एलोटेड सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस तरह का आ रहा है तो आपका लिस्ट में नाम आ चुका है। दोस्तों, आपको एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेने के लिए आपको PN कॉलेज, परसा सारण, मतलब कि जिस भी कॉलेज में आपका एलोटेड हुआ है उस कॉलेज के वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन करना होगा। और वहाँ से आपको पेमेंट स्लिप जो होता है, स्लिप होता है पेमेंट का, उसका 2 फोटोकॉपी निकालना है। और उसके बाद आप जो ऑनलाइन करेंगे एडमिशन के लिए कॉलेज के वेबसाइट पे, उसका भी फॉर्म निकलेगा, वहाँ पे PDF निकलेगा, उसका भी 2 आपको कॉपी निकलवा लेना है, जीरोक्स। उसके बाद जो भी आपका संबंधित आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ में ले जा करके आपको अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एलोटेड हुआ है उस कॉलेज में आपको ले जा करके जमा करना है। जमा करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए और प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऑनलाइन करते ही आपका एडमिशन हो जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कॉलेज में लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपना एडमिशन ले लेना है। थैंक यू सो मच।